हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई विश यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल डू वर्कशीट फिफ्टीन गेटिंग टू नो प्लांट्स तो आज हम पौधों के बारे में और जानेंगे रूट्स रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो इनसाइड द सोइल स्टूडेंट हम पौधों के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा रूट्स क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर जो सोयल के नीचे होते मिट्टी के नीचे वाले पार्ट प्लांट के पार्ट को हम क्या बोलते हैं रूट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स प्लांट्स में टू टाइप्स के रूट सिस्टम होता है टैप रूट एंड फाइबरस रूट ओके स्टूडेंट नाव देर इज एन एक्टिविटी गिवन एक्टिविटी आपको करनी है गो टू ए गार्डन गार्डन में जाना ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड और ग्राउंड से जो ग्रास घास वहाँ पर होगी उसको उखाड़ने की कोशिश करना डज द ग्रास कम आउट ईजिली तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि घास जो है इजीली से बाहर आ गई यस और नो नो नहीं आएगी इतनी इजीली क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन के नीचे होती हैं ओके स्टूडेंट इफ़ यू हैव सेड यस मान लो कोई आपने कहा यस इसका आंसर यस इस दिया वैसे यस नहीं होगा इसका आंसर नो ही होगा दैट्स एब्सोल्युटली राइट इट डजेंट कम आउट सो इजी लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलती है कि बिल्कुल ही आसानी से निकल जाए क्योंकि उनकी जड़ें जो है और वैसे भी ग्रास की टाइप्स होती है कुछ ग्रास ऐसी होती है जो ऊपर होती है वो ईजिली निकल जाती है ओके सेकेंड एक्टिविटी इज देयर पुट थ्री और फोर सीड्स ऑफ ग्राम इन सम वेट कॉटन वूल अब तीन चार जो है चने के चने लेना चने के बीज जो लेना और उसको गीले कॉटन वूल के अंदर रखना कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे रोज़ उसके ऊपर पानी छिड़कना जो आपने चने लिए हैं अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इन टू यंग प्लांट आप देखोगे फिर कि उसके अंदर से स्प्राउट्स निकल आए हैं छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं चने में से आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल और फिर उस कॉटन वूल से जो है जो प्लांट उसके अंदर ग्रो किया उसको अलग करने की कोशिश करना वाज इट ईजी टू सेपरेट द काटन वूल फ्राम द रूट्स क्या वो आसानी से निकल गया जो आपका स्प्राउट्स उसमें हुआ था वो ईजीली उस कॉटन वूल से निकल गया यस और नो तो इसका आंसर होगा नो no. क्योंकि इतना आसान नहीं है इट इज़ नॉट सो इजी टू सेपरेट द काटन वूल फ्राम रूट्स कॉटन वूल को उनकी रूट्स के अंदर वो फंस जाती है तो उनको निकालना इतना आसान नहीं है दिस मीन्स दैट रूट्स होल्ड द प्लांट्स फॉर्मल इन द सोय यही फंक्शन हमारी रूट्स का होता है प्लांट के अंदर वो प्लांट को मिट्टी के अंदर फॉर्म करती हैं दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सोय वो मिट्टी के अंदर जो है पौधे का बिल्कुल मजबूत करती है मजबूती देती है प्लांट्स को रूट्स ओके okay. अब फिर हम थर्ड एक्टिविटी करेंगे सिलेक्ट टू बीट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट ओपन ग्राउंड से कोई भी डू टू वीड्स आपको लेने खरपतवार जो पौधे अनवांटेड होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं जमीन से उनको निकालना टेक केयर दैट दे रूट्स डू नॉट ब्रेक ध्यान रखना है कि उन वीड्स की रूट जो है वो टूटे नहीं रूट के समेत आपको पौधे उखाड़ने हैं प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द दोयल इन पोर्ट ए पहले प्लांट को आपको देखो एक पोर्ट में ग्रो करना है जैसे इसमें ए ए पे ग्रो कर रखा है कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड्स और जो दूसरा वीड निकाला ना उसकी आपको वीड्स को काट देना है एंड प्लांट इट इन सोयल इन पोर्ट बी बी जैसे इसमें बी के अंदर जो है ये रूटलेस प्लांट है ये विद रूट प्लांट है वोटर दैम रेगुलरली दोनों में रोज पानी देना ओब्जर्व द्लांट्स आफ्टर ए वीक एक वीक के बाद दोनों प्लांट्स को देखना विदाउट रूट वाले को भी और विद रूट वाले को भी आर बोथ प्लांट्स हेल्थी क्या दोनों प्लांट हेल्दी है आप देखेंगे नहीं ये देखिए ए प्लांट हेल्दी है और बी हेल्दी नहीं है बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट इज इट डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट तो इससे हमें देखो रूट का फंक्शन पता लगा है कि रूट का क्या फंक्शन है कि वो पौधों को ग्रो करने में हेल्प करती हैं क्योंकि रूट से जो है वो जो वाटर है मिनरल्स हैं सोइल के वो प्लांट्स के अंदर जाते हैं तो ये हमारी रूट का मेन फंक्शन होता है प्लांट्स के लिए हम देखो स्टूडेंट देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स टैप रूट और फाइबर्स रूट टैप रूट क्या होती है स्टूडेंट दिस इज द मेन रूट फ्रॉम विच रूट्स ब्रांचेज इमरजेज इसमें मेन रूट होती है एक ये देखिए ये देखिए ये मेन रूट है ये क्या टैप रूट है और फिर उसके अंदर से ब्रांच निकल रही है ओके मेन रूट ग्रोज डीप इंटू दस ऑयल और जो मेन रूट ये देखिए ये नीचे तक जा रही है वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे जाती है जैसे आपने बीन और मैंगो की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है और मेन थर्ड इसमें क्या है टैप रूट के अंदर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स भी टैप रूट एव रेटिकुलेट वन उसके जो लीव्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट वेशन होती है जो लीव्स होते हैं उसमें जो होती है ऐसे ऐसे और इस लीव्स के अंदर ऐसे ऐसे जो है रेशे होते हैं लीव्स के अंदर वाली जो वेनेशन होती है ओके okay. अब देखते हैं फाइब्रस रूट ए क्लस्टर ऑफ रूट्स राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैम इसमें क्या होता है इसमें क्लस्टर ऑफ रूट्स होती हैं देखो इसमें मेन रूट नहीं होती जिससे सब से बहुत सारी ये जड़ें देखो बहुत सारी हैं तो इसमें क्या होती है ये क्लस्टर ऑफ रूट्स होती हैं राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैम्प दो स्टैम्प के नीचे से निकलते हैं द क्लस्टर ऑफ रूट्स इज थिन एंड फाइब्रस दैट इज़ व्हीट ओ मेज आपने वट की रूट्स देखी होंगी गेहूं की जो नीचे होती है वो कैसे रूट होती है फाइबरस क्योंकि इसमें क्लस्टर ऑफ रूट होते हैं वो जो रूट्स होती हैं वो पतली पतली होती हैं ज़्यादा मोटी नहीं होती जैसे टैप रूट में तो एक मोटी रूट थी फिर उसकी ब्रांचेज थी इसमें छोटे 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 पतले पतले रूट्स होते हैं द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विद फाइबरस रूट्स है पैरल वैनेशन एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो पैरल वैनेशन में होती हैं आपने पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि पैरेलल वेनेशन क्या होती है जिसमें लीव्स में ऐसे वेन्स होती हैं उनको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं ओके अब लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर तो ये देखिए आज हमने क्या सीखा है रूट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट टैप रूट फाइब्रस रूट टैप रूट देखो मैंगो की बीन की और फाइब्रस रूट किसकी है व्हीट और मेज आपको लीफ से भी पता लग जाएगा जिस लीव्स में जो है पैरेलल वेनेशन होता है उसमें फाइब्रस रूट्स होती है। होते हैं और जिसमें रेटिकुलेट होता है उसमें टैप रूट होते हैं ओके okay, आप करते हैं क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स रूट्स के क्या फंक्शंस हैं आपने देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था रूट्स के क्या ग्रो करने में हेल्प करते हैं रूट्स ये देखिए रूट्स ऑब्जोर वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू स्टैम्प रूट्स वाटर और मिनरल्स को जो है ऑब्जर्व करती हैं और फिर स्टैम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट के अंदर दे ऑल्सो स्पोर्ट ए प्लांट एंड स्टोर फूड वो प्लांट की स्पोर्ट भी करती है जमीन के अंदर जो है प्लांट को स्थिर करती है और फूड को स्टोर करती है ओके okay, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइबर्स रूट आपको अंतर बताना है टैप रूट में फाइबरस रूट में मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया था ये देखो ये टैप रूट है और ये फाइबरस रूट है तो ये आपको टैप रूट का लिखना है ये फाइव ये इनका डिफरेंस दोनों का आपको लिखना है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो द सोइल ट ग्रो इन साइड द सॉयल जो जमीन के नीचे ग्रो करती हैं वो रूट्स होते हैं देर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ रूट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स टैप रूट और फाइबरस रूट तो इसमें आएगा टू नेक्स्ट इज प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन ऑल्सो है जिसमें लीव्स जो है लीवस के अंदर रेटिकुलेट व उसमें प्लांट के अंदर टैप रूट्स होते हैं प्लांट्स हैविंग फाइबरस रूट्स ऑल्सो है पैरल वेनेशन, फाइबरस रूट्स के लीव्स का कैसा वेनेशन होता है पैरल वेनेशन तो स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव नाइस डे